हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। यूनो गाइडेंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये आपका स्नातक उपाधि कार्यक्रम दिसंबर 2019 का है, जो कि अभी आपका एग्जाम हुआ है FST 01 का, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में आधार पाठ्यक्रम। ये पेपर आपका 100 नंबर का होता है, समय 3 घंटे का, क्योंकि इस साल से जो है OMR सीट पे आपका ये एग्जाम होता है। ठीक है, तो चलिए फिर देख लेते हैं क्वेश्चन और हम आपको इनके आंसर बताएंगे। जिस आंसर में मैं श्योर हूँ मैं उसे 100% बताऊँगी कि मैं श्योर हूँ, लेकिन जिसमें मैं श्योर नहीं हूँ मैं बोलूँगी आई एम नॉट श्योर। तो एक पासिंग मार्क्स तो आपका निकल के आ ही जाएगा 100 क्वेश्चन में, 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन। अगर मैं 50 या 40 के भी आंसर बता देती हूँ तो बड़े आराम से आप पासिंग मार्क्स इसमें निकाल सकते हैं। और यदि जिसका आंसर हमें नहीं पता है तो प्लीज़ आप बताइएगा, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा। तो चलिए फिर देख लेते हैं इसके आंसर आपके FST 01 के। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि काल डैश काल में उच्च केंद्रीकृत राज्य शक्ति में अपेक्षाकृत अधिक लचीले और स्थानीय किस्म के प्रशासन की शुरुआत की गई थी, किस काल में। अब मुझे लगता है आई एम नॉट श्योर, बट मुझे लगता है कि राइट आंसर इसका उपयुक्त दोनों होना चाहिए, क्योंकि मौर्य काल और जो गुप्त काल है दोनों काल में जो राज्य शक्ति थी वो उच्च केंद्रीकृत थी, राज्य शक्ति उच्च केंद्रीकृत थी, इसलिए मुझे लगता है कि इसका आंसर जो है वो थर्ड होना चाहिए। अगला देख लेते हैं कुबड़हीन। आप लोग कमेंट्स करिएगा जिसका आंसर आपको पता है। कुबड़हीन यानी जो पालतू पशु होते थे उनकी अभिव्यक्ति वाली मुहर वाला काल कौन सा था, यानी पालतू पशुओं की अभिव्यक्ति वाली। मुझे इसमें ऐसा लगता है कि शायद ये जो है हड़प्पा काल इसका होना चाहिए। आप आंसर कर कमेंट्स करके आंसर जरूर बताइएगा इनके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आर एवं डी यानी कि राष्ट्रीय जो आपका नेशनल शोध यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट संस्थान की प्रयोगशालाओं से प्रौद्योगिकी को क्षेत्र में अंतरित करने को सुगम बनाने के लिए किसका गठन किया गया था। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। ठीक है, आप जब आंसर में श्योर हो कि आपको आंसर बिल्कुल सही पता है तभी आप कमेंट्स करें, कंफ्यूज करने के लिए नहीं। कि जिन लोगों को नहीं पता है और आप कमेंट्स कर दें और मैंने कुछ जो बताया है उसके अगेंस्ट आप कमेंट्स करें तो वो भी कंफ्यूज होंगे। अक्टूबर से मार्च तक बोई जाने वाली फसलें हैं, अक्टूबर से मार्च तक बोई जाने वाली फसलें कौन सी कहलाती हैं, रबी की फसलें कहलाती हैं। ओके, इसमें मैं बिल्कुल श्योर हूँ। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने जल वैद्युत जनन के क्षेत्र में भारत से प्रौद्योगिकी अंतरित की थी। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है बिकॉज नेपाल के साथ में और अफगानिस्तान के साथ में तो बहुत है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। कौन सा विटामिन नसों के सुचारू रूप से काम करने के लिए अनिवार्य माना जाता है। आपको यहाँ पे विटामिन के नेम बताने हैं। देखिए विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स होता है ये नसों को सुचारू रूप से चलने के लिए नर्व सिस्टम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जो खोई यानी बैगेज होता है इसका इस्तेमाल किसके निर्माण में एक कच्ची सामग्री के रूप में किया जाता है, खोई यानी बैगेज का इस्तेमाल। तो आई थिंक इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सीमेंट। ओके, चलिए, आलू का प्रवर्धन किया जाता है, आलू का प्रवर्धन जो है वो सीड ट्यूबर से किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोन चारकोल या सक्रिय कार्बन का प्रयोग किसे फीका करने के लिए किया जाता है, तो चीनी को। ओके, राइट आंसर। हमारे देश के कौन से क्षेत्र शुष्क हैं, शुष्क का मतलब जहाँ पे सूखा हुआ क्षेत्र है, पानी बहुत कम है। देखिए लद्दाख, राजस्थान और गुजरात जो ये क्षेत्र है वो शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, भारत में पहले परमाणु रिएक्टर की स्थापना कहाँ हुई थी, पहले परमाणु रिएक्टर की स्थापना देखिए तो वो पोखरण में हुई थी। ठीक है ना, कहाँ हुई थी, पोखरण में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा फलीदार पौधे के लिए जो होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग पादप कहा जाता है। ठीक है ना, जो फली वाले पौधे होते हैं उनके लिए। चलिए अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि मनुष्य के बाल जितनी पतली कांच की तारों से प्रकाश की तरंगों को प्रसारित करने की तकनीक क्या कहलाती है। मनुष्य के बाल जितनी पतली कांच की तारों से प्रकाश की तरंगों को प्रसारित करने की तकनीक क्या कहलाती है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो
अनाज और बाजरे में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? देखिए तो अनाज और बाजरे में देखिए ये ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि अनाज की भी बात चल रही है, अनाज में सभी चीज़ें चावल गेहूं दाल आ जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लौह तत्व और विटामिन। लौह तत्व जो है वो बाजरे में पाया जाता है, दाल में विटामिन पाया जाता है, ठीक है ना, और इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट के चावल में है ना, तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लौह तत्व और विटामिन पाए जाते हैं। लिक्विड क्रिस्टल का सामान्य तौर पर प्रयोग किसके डिस्प्ले पैनल के रूप में किया जाता है? लिक्विड क्रिस्टल का प्रयोग में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि लिक्विड क्रिस्टल का जो उपयोग है इन तीनों में किया जाता है। ओके, यहाँ पे फोन नंबर में ऑप्शन आपका 2 एंड 3 दिया, यानी कि घड़ी और कैलकुलेटर्स दिया है, जबकि लिक्विड क्रिस्टल जो होता है, द्रव क्रिस्टल, वो इन तीनों में, यानी कि जो आपका कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर का मॉनिटर होता है उसमें, टेलीविजन में, घड़ियों में, कैलकुलेटर्स, इन सभी में किया जाता है। तो अब यहाँ पे टेलीविजन तो नहीं दिया इस ऑप्शन में, तो अगर इसकी हम बात मानते हैं, सॉरी, अगर हम इसकी बात मानते हैं तो फिर ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, घड़ी और कैलकुलेटर का। हालांकि टेलीविजन में भी लिक्विड का प्रयोग किया जाता है, लिक्विड डिस्प्ले का, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आंवला, अमरूद, पपीता, खट्टे फल, हरी पत्तेदार सब्जियां किसके मुख्य स्रोत हैं? तो देखिए आंवला, अमरूद और ये खट्टे फल जो है वो विटामिन सी के मुख्य स्रोत होते हैं, ठीक है ना, लेकिन पपीता और हरीदार सब्जियां जो हैं इनमें भी विटामिन सी पाई जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तेल के खोजबीन के लिए उत्तरदायी यानी भारत सरकार का उद्यम कौन सा है? तो देखिए ONGC, ONGC जो है वो भारत सरकार का एक उद्यम है, यानी तेल की खोजबीन के लिए इसकी स्थापना की गई थी, ONGC, ठीक है। किसे सनसाइड विटामिन कहा जाता है? सनसाइड विटामिन यानी विटामिन डी, जो सूर्य की रोशनी से लिया जाता है, उसे सनसाइड विटामिन कहा जाता है, ठीक है, सनसाइन विटामिन डी हो गया। भोजन में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथ में सूजन होना अर्थात इस दशा को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही है, भोजन में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथ में सूजन हो जाता है गले में, उसे ग्वाइटर यानी घेंघा रोग कहते हैं, जो कैल्शियम की कमी, सॉरी, आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उच्च रक्तचाप से पीड़ित रोगियों को कौन सी औषध दी जाती है? देखिए यहाँ पे जितनी भी औषधि हैं, आप पेंसिलिन और इंसुलिन तो हो नहीं सकती, इंसुलिन तो डायबिटीज पेशेंट को दी जाती है, यहाँ पे स्ट्रोमाइसिन और सरपासिल, यहाँ पे दो जो हैं मेडिसिन दिख रही हैं, आई थिंक मेरे ख्याल से सरपासिल होना चाहिए, बिल आप कमेंट्स करके बताइएगा, आई एम नॉट श्योर। कंट्रोल यूनिट और अंक विज्ञान और तर्क यूनिट यानी ALU संयुक्त रूप से कहलाते हैं, जो कंट्रोल यूनिट और अंक विज्ञान और तर्क यूनिट जो होता है, बिल्कुल सही, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाते हैं। कैनोला का आयात किस देश से किया जाता है? कैनोला का आयात, इसका जो राइट आंसर होगा, तो देखिए कैनोला आयात जो है वो, कैनोला मतलब पाम तेल होता है, वो मलेशिया से किया जाता है, ठीक है ना, जो पाम तेल होता है सबसे ऐसे रिफाइंड ऑयल हम कहते हैं पाम तेल, वो सबसे ज्यादा मलेशिया से किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सोने की बीमारी यानी स्लीपिंग सिकनेस जो होता है, इसका मेन जो कारण होता है वो प्रोटोजोआ होता है। चेचक की वैक्सीन के खोज करता थे, चेचक के वैक्सीन के यानी स्मॉल जो पॉक्स होता है उसके खोज करता कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। ओके, सभी जो मैं अब आपको बता रही हूँ, जो डायरेक्ट मैं आंसर बता रही हूँ, वो सभी आपके राइट आंसर हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC शरीर में कहाँ विकसित होती हैं? जो श्वेत रक्त कोशिकाएं जिसे हम WBC के नाम से जानते हैं, शरीर में कहाँ विकसित होती हैं? इसका आंसर आप देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से थाइमस और बोन मैरो होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा मस्तिष्क में कई किस्म के न्यूरॉन होते हैं। एक ऐसे किस्म का न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र से मांसपेशियों और ग्रंथियों को संकेत भेजने में सहायता करता है, वो क्या कहलाता है? तो देखिए मोटर न्यूरॉन कहलाता है। निम्नलिखित में सही कथन का चयन करना है। मध्य मस्तिष्क में क्षति होने से रोगी सदा के लिए निद्रा कोमा की अवस्था में जाता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स को अक्सर इसके रंग के कारण रेड मैटर कहा जाता है। मेडुला अग्र मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण भाग है और थैलेमस पश्चिम मस्तिष्क में पाया जाता है। आई एम नॉट श्योर, इसे आप प्लीज देख लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
कौन सा कथन विज्ञान के इतिहास में सही है, यानी विज्ञान के इतिहास के बारे में सही है? इसके तहत वैज्ञानिक खोज की शोध में प्रश्न पूछने का अभाव होता है, या विज्ञान और समाज की अंतःक्रिया के निरंतर जारी प्रक्रिया की कहानी? उपयुक्त दोनों और उनमें उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह विज्ञान और समाज की अंतःक्रिया की निरंतर जारी प्रक्रिया की कहानी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान की विधि के बारे में सही है? देखिए, ऐसी विधि एवं व्यवहार जिसका अनुसरण संगठित तरीके से सम्मिलित लोगों द्वारा किया जाता है और यह बहुत ही सक्रियाओं मानसिक एवं अहस्त निर्मित से बना होता है। बिल्कुल सही है, दोनों ऑप्शन जो है इसके सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ऑप्टिकल थिरासिस बुक के रचयिता हैं, आई डोंट नो, इसे आप देख लीजिएगा। भारतीयों ने अक्षांशों की संगणना करने का प्रयास किया था जिसके अनुसार उसका प्राइम शिरोबिंद से गुजरता था, यानी कि भारतीयों ने जब अक्षांशों की गणना की थी तो उनका जो प्राइम शिरोबिंद था वो कहाँ से गुजरता था? भारतीयों ने अक्षांशों की संगणना करने का प्रयास किया था जिसके अनुसार उसका प्राइम शिरोबिंद जो है, मुझे ऐसा लगता है कि इसका राइट आंसर उज्जैन होना चाहिए। नेक्स्ट आप कमेंट्स करके बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन से मत भारत में मुख्य रूप से घोरी विजेताओं के जरिए आए हैं? कौन से मत भारत में मुख्य रूप से घोरी विजेताओं के जरिए आए हैं? मुझे क्वेश्चन भी तो ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा जिनके आंसर पता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूर्य केंद्रित मॉडल के प्रतिपादक हैं, तो ये बिल्कुल 100% जो हिपरकस है वो सूर्य केंद्रित मॉडल के प्रतिपादक हैं। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो देखिए, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह, पहले 9 थे लेकिन अब वो कम करके जो है 8 कर दिए गए हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तारा मंडल के संबंध में सही है? किसी खास पैटर्न का तारा समूह, आकाश गंगा का समूह, गुच्छ या फिर सुपर डस्टर्स, यानी तारा मंडल क्या कहलाते हैं, आपको ये बताना है। देखिए, यहाँ पे सीधी सी बात है कि जो किसी खास पैटर्न का जो तारा समूह होता है, यानी एक तारों का दिखने वाला समूह जो होता है वो तारा मंडल कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, मुख्य स्रोत क्या होगा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, धूप। तो देखिए, राइट आंसर इसका धूप हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब होता है जहाँ पेड़ पौधे जीव जंतु रहते हैं, और इन लोगों के लिए जो धूप है, सनलाइट, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डै सतह के निकट जल परतों में उत्पन्न होते हैं जहाँ धूप होती है, यानी कि सतह के निकट जल परतों में क्या उत्पन्न होते हैं जहाँ धूप होती है? तो देखिए, सतह के निकट जल परतों में जो है शैवाल, ये यानी जो काई होती है वो उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ये समुद्र या फिर नदियों के किनारे जनरली जहाँ पानी भरा होता है वहाँ पाए जाते हैं, लेकिन इसको जिंदा रहने के लिए सूर्य के जो प्रकाश होता है वो जरूरी होता है। ठीक है ना, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि वस्तुओं की कृत्रिम मांग किस आधार पर सृजित होती है? वस्तुओं की जो कृत्रिम मांग होती है किस आधार पर सृजित होती है, यानी बनाई जाती है? तो मुझे ऐसा लगता है कि वस्तु कृत्रिम मांग जो है अनिवार्यता पर ही सृजित होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन से संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित है? देखिए, राइट आंसर हो जाएगा मानव, क्योंकि जो मानव होता है एक ऐसा संसाधन है जो विश्व में समान रूप से वितरित है। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन से कथन का प्रयोग नव आर्थिक युग को दर्शाने के एक प्रभाव वाक्यांश के रूप में किया जाना चाहिए? ठीक है, नव आर्थिक युग को दर्शाने के लिए, इसे आप देख लीजिएगा। चलिए मैं अगला क्वेश्चन ले लेती हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा सही अभिव्यक्ति है जो विकासशील देशों के लोगों की प्रबल कामना की द्योतक है, यानी कि प्राकृतिक संसाधन और ज्ञान के भंडार में सभी का बराबर का हिस्सा होना चाहिए? तो मुझे लगता है नौ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का द्योतक होना चाहिए। वैज्ञानिक नीति संकल्प भारतीय संसद द्वारा कौन से वर्ष में पारित किया गया था? वैज्ञानिक नीति संकल्प, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1958 में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक युग वाला ऊपर जो क्वेश्चन रह गया उसे आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित हार्मोन्स में से कौन सा पुरुषों में एक लैंगिक लक्षण को उभारता है? तो इसका राइट आंसर बी यानी कि 2 हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये लैंगिक लक्षण को उभारता है पुरुषों में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान के संबंध में सही है? विज्ञान के संबंध में, विज्ञान का सच इसके अनुप्रयोग में निहित है। किसी भी समय में किए गए वैज्ञानिक प्रयास पिछले साल की मौजूदगी पर निर्भर करते हैं। विज्ञान उत्पादन में सदैव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उपयुक्त सभी, अब मुझे लगता है कि इसका जो है राइट आंसर वैसे 2 होना चाहिए। किसी भी समय के लिए वैज्ञानिक जो प्रयास किए जाते हैं वो पिछले ज्ञान की मौजूदगी पर, जो पिछला प्रयास किया गया, प्रयोग किया गया है, उसी में आगे प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
पाषाण युग का अंत किसका परिणाम था? तो इसका जो राइट आंसर, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों हो जाना चाहिए, ठीक है ना, कि जलवायु परिवर्तन आबादी वृद्धि के मद्देनजर जो खाद्य आपूर्ति होती है, दोनों इसका राइट आंसर होगा। कमेंट्स क्या है आप जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। चल धातु किस्म के मुद्रण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चीनी लोगों ने किया था। ओके, आत्मनिर्भरता स्वयं में डैश को बढ़ावा देने की स्थित है। तो देखिए आत्मनिर्भरता स्वयं में निर्भरता और आत्मविश्वास को बढ़ावा देने की स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मांड की मूल उत्पत्ति की बिग बैग सिद्धांत के पक्ष में एक साक्ष्य है? ब्रह्मांड का विस्तार, कॉस्मिक पृष्ठभूमि विकिरण और मौलिक तत्वों की प्रचुरता, यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हैं 2, 3, 4, यानी सॉरी 1 और 3, 4, तो 1, 3, 4 ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वह प्रक्रिया जिससे गहरे और पोषक तत्वों से भरपूर किस्म के जल को सतह तक लाया जाता है उसे क्या कहते हैं? जैवदीप्त। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आप देख लीजिएगा। आवाज के शोर को किससे मापा जाता है? देखिए आवाज के शोर को डेसिमल से मापा जाता है। रक्त में शर्करा के स्तर को मुख्य रूप से कौन नियंत्रित करता है? शर्करा के स्तर को मुख्य रूप से कौन नियंत्रित करता है रक्त में? इसका राइट आंसर अग्नाशय हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक इवान पावलोव, अब इन्होंने ये कहाँ के निवासी थे क्वेश्चन पूछा गया, देखिए रूस के थे। ओके, बौद्धिक स्तर IQ बुद्धि मापने का एक पैमाना है जिसे आयु के आधार पर समायोजित किया जाता है। IQ समय के साथ बदल सकता है और मुख्यतः किस आधार पर एक दूसरे व्यक्ति से अलग हो सकते हैं? यानी यहाँ पे ये बताया है कि जो IQ बुद्धि स्तर होता है उसे मापा जा सकता है और ये बदल भी जाता है समय के। तो जो ये IQ होता है वो किस आधार पर जो व्यक्ति होते हैं दिमाग के मामले में एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। फ्रेंड्स चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मिलान करना है। देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट का क्वेश्चन है, पियाजे का ये संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था है उससे क्वेश्चन दिया गया है, आपको इसको मिलाना है और इसमें राइट आंसर क्या होगा। देखिए संवेदी प्रेरक अवस्था, उन्होंने 4 अवस्थाओं में संज्ञानात्मक अवस्था को बांटा है। संवेदी प्रेरक अवस्था जो है ये हो जाएगी आपकी पहली अवस्था जो 2 वर्ष तक की होगी, फिर इसके बाद आ जाएगा पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, कहीं कहीं पे 4 वर्ष भी आपको मिलेगा लेकिन जनरली 2 से 7 वर्ष ही होता है। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष हो जाएगा और औपचारिक सक्रिय अवस्था लास्ट अवस्था होती है 11 से ऊपर के लिए होती है। तो अगर इसको हम मिलान करें तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा IIMC सियासा, यानी इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, यानी कि भारतीय जन संचार संस्थान हो जाएगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 1983 में इनसेट उपग्रह की शुरुआत कर टेलीविजन सेवाओं के विस्तार में भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, अब वो आपको बताना है कौन सी उपलब्धि थी। इसका जो राइट आंसर है वो होगा इनसेट A1। देखिए एक्चुअली क्या है कि इनसेट जो 1B है इसका प्रक्षेपण किया गया था 1983 में, लेकिन यहाँ पे टेलीविजन सेवाओं के विस्तार की बात चल रही है तो इसके जरिए इनसेट A1 जो है इसको पहला उपग्रह था जो कि टेलीविजन के लिए या दूरदर्शन रेडियो प्रसारण के लिए छोड़ा गया था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा इनसेट A1, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विकासशील देशों की निर्भरता किस वजह से बढ़ने लगी है? इसका आई एम नॉट श्योर, मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, बट आप इसका आंसर देख लीजिए और यदि पता है राइट आंसर तो प्लीज कमेंट्स कर दीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या है यहाँ पे आपको बताना है। तो सिंधु घाटी की मुख्य जो विशेषता थी आई थिंक उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा, उच्च स्तर का वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान था ही, किसी खास किसकी नगरी योजना भी उन्होंने बनाई थी, ज्यामिति पर का विचारणी ज्ञान भी पहले के टाइम में था, तो जो 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। कांस्य युग के पतन का एक कारण, तो मुझे लगता है इसका जो राइट आंसर है दूसरा होना चाहिए कि बहुत से शहर जो हैं वो उदय हुए थे, नगरीकरण हुआ था कांस्य युग में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से शहरों का उदय और पतन होगा। बिल आपका आंसर क्या होगा कमेंट्स करिएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, सिडरियस नूनियस अर्थात सितारों का संदेश वाहक के रचयिता कौन है, अब आपको यहाँ पे बताना है। चलिए इसका आंसर आप देख लीजिएगा, इसका आंसर मुझे नहीं पता है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इसको जो है मिलाना है आपको सूची 1 से सूची 2 को। देखिए यहाँ पे जो है कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं प्रतिपादन और यहाँ पे प्रतिपादित करने वाले के नाम।
देखिए यहाँ पे एक चीज जो है कॉमन है, हम सबको पता है कि चार्ल्स डार्विन जो है उन्होंने जैविक विकास का यानी जीव जीवित का सिद्धांत दिया था, ठीक है, आप विकास जैविक विकास का सिद्धांत कह सकते हैं। तो चार का जो है चार वाला नहीं, घा ऑप्शन सही है। तो यदि हम ऑप्शन में यहाँ पे देखते हैं तो चार नंबर पे घा का सिर्फ एक ही ऑप्शन सही मिल रहा है, तो मतलब ये वाला जो ऑप्शन सही है। तो एक का हो जाएगा आपका गा ऑक्सीजन, जो आपका जोसेफ प्रिस्टल है, ठीक है। टू का जो आपका है वो का हो जाएगा रसायन शास्त्र का तार्किक एवं परिमाणात्मक अध्ययन जॉन डेल्टन का हो जाएगा आपका घा परमाणु संबंधी सिद्धांत दिया था जॉन डेल्टन ने भी, राइट। तो ये जो फोर नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे मिलान करना है तो इसका जो राइट आंसर वो थ्री हो जाएगा, ठीक है ना। जो आप इसे आप देख लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, तो मैंने इस क्वेश्चन ले लेती हूँ, राइट आंसर इसका थ्री हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि धरती की विभिन्न परतों को बाह्य से आंतरिक आधार पर ऊपर से नीचे के आधार पर आपको बताना है। तो सबसे बाह्य परत जो होती है वो क्रस्ट होती है, फिर उसके जब नीचे जाएंगे तो मेटल आता है, फिर सबसे नीचे कोर आता है। तो फ्रेंड्स ना खत्म होने वाले संसाधन जो है नवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के जीवों को विस्तृत श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है जो है पारिस्थितिक तंत्र का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वो परमाणु ऊर्जा कहलाती है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चौथी और पांचवी शताब्दी में भारतीय धातु संबंधी, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कांस्य होना चाहिए, आप इसका राइट आंसर जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रौद्योगिकी नीति का अनिवार्य पर्यावरणीय मुद्दा है? पर्यावरणीय मुद्दा, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अवशिष्टों का उपचार। जो अवशिष्ट यानी जो कूड़े कचड़े होते हैं हम लोग जनरली फेंक देते हैं, उनका उपचार होना जरूरी है, उससे पर्यावरण जो है बहुत ज्यादा गंदा होता है, ठीक है। लैंगिक प्रजनन युग्मों का गठन कैसे होता है? लैंगिक प्रजनन युग्मों का गठन कैसे होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा, तो लैंगिक प्रजनन युग्मों का गठन कैसे होता है? तो क्रोमोसोम की जो संख्या होती है दुगनी करके हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। वायुमंडल में पाए जाने वाले जीव में सम्मिलित है, वायुमंडल में जो पाए जाने वाले जीव है उसमें क्या सम्मिलित है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है मेरे ख्याल से पाणि पल्लवक होना चाहिए। बिल आप इसका जो आंसर है वो कमेंट्स बॉक्स में कर दीजिएगा यदि आपको क्लियर पता है। तो निम्नलिखित में से कौन से ने समाज ने पहली बार पक्की ईंट का जो है प्रयोग किया था? तो देखिए रोम जो सभ्यता कहलाती है वहां पे पहली बार पक्की ईंट का प्रयोग किया गया था। चलिए यहाँ पे भी मिलाने के लिए दिया हुआ है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर ये टू हो जाएगा। थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं, जैसे कि सर सैयद अहमद खान इन्होंने जो अलीगढ़ की स्थापना की थी, फिर जमशेद टाटा ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना की। तो दो का यहाँ पे मिल रहा है और चार का जो है गा हमें यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है ना। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए कंचन ग्राफ तो मुझे मिला नहीं, आप देख लीजिएगा। आगमनात्मक निगमनात्मक विधियों का प्रयोग जो है परिकल्पना को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है, जनरली इनका प्रयोग जो है मैथ में किया जाता है, ठीक है। मिलान करना, फिर से यहाँ पे मिलान करने के लिए दे दिया है, इसे तो मुझे पता नहीं है, प्लीज आप इसे देख लीजिएगा। बट अगर मैं कहूँ तो जैविक विकास को यदि हम मान लेते हैं पहली कोशिकाओं का निर्माण, मेरे ख्याल से चार नंबर हो सकता है। बिल आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देख लेते हैं कौन सा जैविक विकास का साक्ष्य नहीं है? प्रौद्योगिकी संबंधी साक्ष्य। प्रजातियों के विकास के माध्यम से विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक है, विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है आपको बताना है? चार्ल्स डार्विन है, ओके। चलिए अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। डैश एक महत्वपूर्ण संयोजी पदार्थ है, संयोजी पदार्थ कौन सा यहाँ पे आपको बताना है? देखिए यहाँ पे संयोजी पदार्थ की बात चल रही है, तो पदार्थ में सिलिका आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और यदि आपको इनके आंसर पता है तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। डैश के इस्तेमाल से समुद्री जल को आसवित किया जाता है, किसके इस्तेमाल से समुद्री जल को आसवित किया जाता है? तो इसके आंसर तो मुझे पता नहीं, आप प्लीज थोड़ा समझने में भी प्रॉब्लम जा रही है, तो प्लीज इसका जो आंसर है आप कमेंट्स कर दीजिएगा यदि आपको पता है। हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि जीवों और इनके परिवेश के संबंधों से सरोकार रखने वाली जीव विज्ञान की, इसका हो जाएगा कि जीवों और इसके परिवेश के संबंधों से सरोकार रखने वाली जीव विज्ञान की शाखा जो है वो जैव रसायन हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मृदा की गुणवत्ता का अम्लीय वर्षा से निम्न हो जाने का मुख्य कारण पीएच में बढ़ोतरी होता है, ठीक है ना। और पानी खींचने वाले पेच किसने बनाया था? पानी खींचने का जो पेच था उसको किसने बनाया था? तो इसका आंसर तो मुझे पता नहीं, प्लीज आपको यदि पता है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, नीचे देखिए खास श्रृंखला को पूरा करना है, ग्रास ग्रास हॉपर, फिर यहाँ पे डैश आपको जो यहाँ पे टिक लगाना था स्नैक पिक, तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका मेढक। ओके चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर वैज्ञानिक ज्ञान क्या है, तो ये हो जाएगा विषय परक होता है वैज्ञानिक ज्ञान। यहाँ पे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वाड्रेंट किसे मापने का उपकरण है, ठीक है क्वाड्रेंट जो है उसके द्वारा किसे मापते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरवार क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि सबसे अधिक से सबसे कम उम्र के क्रम में मनुष्यों की विकास प्रवस्थाओं को क्रमबद्ध करना है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं मतलब मेल करने के लिए। तो फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगता है इसका जो राइट आंसर है वो आपका जो है वो सेकंड होना चाहिए, यानी कि सबसे पहले जो है आस्ट्रो आप जो आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, फिर होमोलेविनस है, फिर हो जाएगा नियंडरथल, फिर होमोसेपियंस। आई थिंक्स ये राइट आंसर होना चाहिए। बिल आपने क्या सेलेक्ट किया है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्म पौधों से सरोकार रखने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को पूरा वनस्पति, पूरा यानी कि पुराने जो वनस्पति जीवाश्म है, ओके आर्गन हीलियम जो क्राइप्टन आदि हैं ये क्या है, आर्गन हीलियम क्राइप्टन। तो फ्रेंड्स आर्गन हीलियम और जो आपका क्राइप्टन है ये सभी जो है इनर्ट गैसें हैं, मतलब कि अक्रिय गैस है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि विकासशील देशों के प्रति पश्चिमी मीडिया के पक्षपात पर चर्चा बैंडक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1955 में। ओके तो मीडिया और संचार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है, देखिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 1, 2 और 4 जो है ये ऑप्शन सही है, 3 जो है वो गलत है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। आर्य जनजातियों को गंगा के मैदान में कृषि समुदायों के रूप में स्थापित होने में लगभग कितने वर्ष का समय लगा, तो आई थिंक इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा आर्य जनजातियों गंगा के मैदान में कृषि समुदाय के रूप में स्थापित होने में लगने वाला समय जो है 250 वर्ष लगा। ओके तो फ्रेंड्स सौर ऊर्जा के प्रमुख जो प्रोसेसर है, मुझे इसका जो आंसर वो बन लग रहा है, बिल जो भी राइट आंसर होगा यदि आपको पता है तो प्लीज आप कमेंट्स कर दीजिएगा। गुप्त काल से संबंधित नवाचार कौन सा है ये भी मुझे नहीं पता है। तो फ्रेंड्स आज का जो वीडियो था और इसमें 100 क्वेश्चन है, 100 में जो हमने आंसर आपको सॉलिड बताए हैं, क्योंकि क्वेश्चन को देख के मुझे ऐसा लग रहा है पेपर को जो पेपर है थोड़ा टफ आया था, लेकिन ज्यादा नहीं था क्योंकि जो मैंने FST का आपको MCQ जितने भी आपको लेक्चर वीडियो अवेलेबल करवाए हैं इसमें से 100 में से 65-70 के समथिंग जो क्वेश्चन है वो आपके इसी बुक से, यदि आप उन लेक्चर वीडियो को देखिएगा तो आपको पूरे आंसर उसमें मिल जाएंगे और एक ये आइडिया हो जाता है नेक्स्ट जो अभी एग्जाम जिन लोगों का है उन लोगों के लिए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप इनमें से मिला लीजिए, अगर 40 क्वेश्चन भी आपके सही जा रहे हैं जो हमने आंसर बताए हैं तो आप बिल्कुल इसमें पास हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।